अरे धन्यवाद। अब थोड़ा सा हमारे मंत्रिमंडल के साथी प्रताप सिंह खचरवास जी, गांधी पीस फाउंडेशन के चेयरमैन कुमार प्रसाद जी, ओम थानवी जी, हमारे पूर्व वाइस चांसलर मनीष शर्मा जी, बी एम शर्मा जी, सतीश राय जी, धर्म सिंह कटवा जी, मनोज ठाकरे जी, विश्वजीत सिंह जी, सवाई सिंह जी, डॉक्टर गोपाल भायती जी, अक्षय त्रिपाठी जी, नरेश ठकराल जी और RIC के डायरेक्टर एन जी गोयल साहब, तमाम उपस्थित भाई और बहनों, शांति व अहिंसा विभाग द्वारा आयोजित राजस्थान गांधी दर्शन सम्मेलन आज दूसरे दिन यह है आपका सम्मेलन। और मुझे खुशी है कि ये जो विभाग बनाया गया, मुझे भी विश्वास नहीं था कि इतना जल्दी जिस प्रकार मनीष शर्मा ने, नरेश ठकरा जी ने, सबने मिलकर जो इनकी तमाम साथियों ने जो काम किया, जो माहौल बनाया है, उसके कारण आज ये विभाग जिला स्तर पर अपना ऑफिस खोल पाया। ये कोई कम बात नहीं है, जिला स्तर तक ऑफिस खोलने बड़ी बात है। अब आप ब्लॉक की बात करते हो, पंचायत की बात करते हो, और देश में एकमात्र विभाग राजस्थान के अंदर शांति व अहिंसा। अभी कुमार प्रसाद जी ने, ओम थानवी जी ने, मंत्री जी ने, मनीष शर्मा बोल रहे थे, सबकी भावना यही है जो भी कुमार प्रसाद जी ने कहा कि सवाल ये नहीं कि चौथी बार अशोक गहलोत सरकार या चौथी बार गहलोत सरकार, ये सवाल हमारे सामने नहीं है। सवाल बहुत बड़ा है, उसमें आपकी भूमिका की जरूरत है। सवाल ये है कि इस देश में लोकतंत्र की स्थिति क्या है, देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा, कोई नहीं जानता है। जिस प्रकार RSS BJP ने जो कब्जा किया है, जिस रूप में धर्म के नाम पर, बहुत आसान काम होता है चुनाव जीतना, कोई बहुत बड़ी बात बहादुरी का काम नहीं है। जाति व धर्म ऐसी चीज है, उसमें सब कुछ संभव है। सवाल यह कि संविधान की ध्वजा उड़ रही है, आज आलोचना पसंद है इनको। मैं ही कहता हूँ, पक्ष जब है विपक्ष है, विपक्ष नहीं है तो पक्ष क्या है? सिंपल बात है, अगर लोकतंत्र में विपक्ष नहीं है तो पक्ष के सरकार क्या है? फिर सरकार तभी है जब सामने विपक्ष भी है। आलोचना सुनने का मर्दा हो, मैं तो ये कहता हूँ अगर मेरी आलोचना होती, मेरी सरकार की आलोचना होती, मुझे अच्छा लगता है। हो सकता है उसमें ऐसे तथ्य हों जिससे मैं सुधार कर लूँ, तो गवर्नमेंट अगर गुड गवर्नेंस देगी तो जनता का भला होगी, उसमें दिक्कत क्या है? अगर मैं पसंद नहीं करूँ आलोचना को तो सही बात कैसे आएगी? देशद्रोही के रूप में माने जाते हैं आज, कोई आर्टिकल लिख दे, कोई प्रवचन दे दे, कोई अपनी बात कह दे, जेल जाऊँ। कितने पत्रकार, साहित्यकार, लेखक जेलों में बंद रहे हैं, या बंद होंगे, या छूटे हैं, एक एक डेढ़ साल बाद छूटे हैं, ये क्या हो रहा? अभी ट्वीट की बात की गई ओम थानवी ने, ट्विटर हैंडल के जो संस्थापक थे उन्होंने जो आरोप लगाया कल परसों, पूरा कल मीडिया उसी में बोल रहा था। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए जिसने गांधी ने सत्य की बात की, अहिंसा की बात की, उस गांधी को आपने यहाँ तक पहुँचाया है, ये मैं समझता हूँ कि 2006 के अंदर जब सत्याग्रह को लेकर शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया था, जब अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की और प्रस्ताव पारित किया कि अंतर्राष्ट्रीय UN के अंदर एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए 2 अक्टूबर गांधी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाए, पूरी दुनिया के मुल्क मनाए।
मुझे याद है कि फॉलोअप किया गया, आनंद शर्मा विदेश मंत्री थे, उनको भेजा गया यूएन के अंदर। और सबसे खुशी की बात यह रही कि पूरी दुनिया के मुल्कों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस सब मुल्क मनाएंगे। आज दुनिया के मुल्कों में ये दिवस मनाया जाता है अहिंसा दिवस के रूप में। ये हमारे लिए गर्व की बात है। उस रास्ते पे चलते चलते आपको आगे बढ़ना है, और रास्ता कठिन भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, पर जरूरी है कि कमिटमेंट के साथ में आप ट्रेनिंग प्राप्त करें, फिर कमिटमेंट के साथ में आप आगे ट्रेनिंग दे सकें, उनको दें, नए लोगों को जोड़ें, और एक विचार जब पैदा होता है तो कहाँ पहुँचता पता नहीं लगता है। जब 2006 के अंदर मैंने विचार किया कि गांधी दर्शन समिति बनाई जानी चाहिए, और 30 जने लेन के जो ऑफिस है गांधी जी के स्मारक का, वहाँ हम लोग गए, मनीष शर्मा भी साथ था वहाँ पर, वो तत्कालीन डायरेक्टर थे, उन्हें हमने बातचीत करी। शौक था कि ये मौका अच्छा है शताब्दी समारोह का, सत्याग्रह समारोह का, कि इसको क्यों नहीं राजस्थान के हर जिले के अंदर हम लोग प्रदर्शनी लगाए। वहाँ फोल्डिंग प्रदर्शनी बनाई गई जो फोल्ड हो सकती हो, वहाँ से हमें वो गिफ्ट मिल गई, और राजस्थान भर में करीब 25 जिले में खुद गया उस वक्त, 25 जिले में मैं खुद गया, मनीष शर्मा ने लगभग सब जिलों में गया, और बहुत तरीके से 5 दिन के प्रोग्राम हमने किए। पहले दिन प्रभात फेरी, कुछ फ्रीडम फाइटर के हाथों से उद्घाटन प्रोग्राम का व्याख्यान अलग अलग तरह से, और अंतिम जो समापन में मैं जाता था सब जगह, और उसके अंदर नॉन पॉलिटिकल बात करते थे। मैंने सोच सका था कि सबको जोड़ने के लिए जरूरी है कि हो सकता कोई कांग्रेस की विचारधारा या उससे मेल खाता हो, पर कांग्रेस ही नहीं हो, या आम आदमी हो जो किसी पार्टी में नहीं है, सबको जोड़े। तो मुझे खुशी हुई कि अधिकांश जिलों में आज भी मैं जाता हूँ तो गांधी दर्शन समिति के जो कार्यकर्ता है या संयोजक है, आज ही वो इतने सालों के बाद में भी मुझसे मिलते हैं, बात करते हैं, और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं। अब मनीष शर्मा जी ने और आप सब ने, कुमार प्रसाद जी को तो मैं बारंबार धन्यवाद दूंगा कि जो राष्ट्रीय स्तर पर GPF के चेयरमैन हैं, ये पूरे सब राज्यों के अंदर GPF की इकाइयाँ भी है, सब तरह के काम भी होते हैं, तब भी उन्होंने देखा कि यहाँ विभाग बनाया सरकार ने, यहाँ के लोगों की अगर ये इच्छा है कि गांधी का संदेश पहुँचे घर घर गांव गांव, तो उन्होंने रुचि ली, जब भी बुलाते हैं आते हैं यहाँ पर। गांधी म्यूजियम शानदार बन रहा है, गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस का हमने एक इंस्टीट्यूट खड़ी कर रहे हैं, अभी BM शर्मा जी संभाल रहे हैं टेम्परेली, बिल्डिंग बन रही है बहुत शानदार, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की तरह, और ये विभाग जो है अब आगे बढ़ रहा है। तो ये जो माहौल बना राजस्थान के अंदर, ऐसा माहौल राजस्थान के अलावा देश में कहीं पे भी नहीं है, इसलिए कुमार प्रसाद जी बार बार यहाँ आ रहे हैं। माहौल बनाने वाले खुद ही हैं, बार बार आए हैं, मीटिंग करी उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जहाँ बुलाया गए, और एक ऐसा स्थिति बन गई है कि अब अपन सोच सकते हैं कि आगे बढ़ सकते हैं विचार को लेकर के। गांधी दर्शन समिति आज यहाँ तक पहुँच गई। अब आपका जो साहित्य अहिंसा विभाग है, अभी मुझे कई सुझाव दिए इसने मनीष शर्मा ने, तो वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए ठीक है। मनीष जी कहाँ बैठे हैं, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए ठीक है, तू सारा काम अभी करवा लेगा, इतने क्या क्या देगा मैं बताऊँ आपको, आपकी रुचि के लिए शांति अहिंसा भवन बना दो, एक काम, जिला स्तर महात्मा गांधी दर्शन केंद्र है वो तो आपके जिला स्तर में ऑफिस खोले गए हैं, उपखंड स्तर पर शांति व अहिंसा प्रकोष्ठ में 5 पदों की स्वीकृति प्रतिनियुक्ति पर, गांधी दर्शक समन्वयक, गांधी दर्शक सह समन्वयक,
मैन विद मशीन, होमगार्ड, सब कुछ लिख दिया इसने। होमगार्ड का इंतजाम ही कर लिया और प्रत्येक जिला उपखंड कार्यालय में वाहन की सुविधा भी कर दी, वाहन भी मिले इनको। और लास्ट में जिला उपखंड ग्राम पंचायत स्तर पर गांधी वाटिका बनेगी, लवकुश वाटिका बन रही है अभी, तो ये भी बनेगी कभी, ये भी बनेगा। तो कहने मतलब ये सब, इसको भी मैं ध्यान रखूंगा, क्योंकि सबसे अच्छी बात ये है कि जो ठकरा साहब हमारे सेक्रेटरी बने हैं, वो भी नरेश ठकरा जी भी मनीष शर्मा की तरह समर्पित थे, तब जाके काम आगे बढ़ रहा है। जब मैंने अनाउंसमेंट किया गांधी म्यूजियम का, तो मैंने कहा 100 करोड़ रुपए का म्यूजियम बनेगा। कुमार प्रधान जी है, इन्होंने कहा 100 करोड़ यूथ नहीं, 20 करोड़ में बना देंगे। और पता नहीं 20 का बनेगा 30 का बनेगा, बन रहा है वो। कहने के बाद ये सोच गांधीवादियों की हो सकती है, दूसरा जो होता है कहने साहब 100 कम पड़ेंगे, आप 125 कर दो, हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे करेंगे। इन्होंने कहा नहीं, ये बहुत ज़्यादा पैसा है। तो आप सोच सकते हो किस सोच के लोग आप सब बैठे हुए हो, आप सब बधे के बात थोड़ी करना चाहते हैं। जो कुमार प्रशांत की सोच है वो आप सबकी सोच है, इसलिए आप सबको ऐसा बनना है जिंदगी के अंदर। आप बहुत बड़ी पूंजी है प्रदेश की और देश की पूंजी बन सकते हैं। मैं भी आपकी तरह ही कार्यकर्ता था। ये प्रशांत कुमार प्रशांत का मेरा रिश्ता क्या है मेरा, ये मुझे जानते ही नहीं थे, मैं इनको जानता नहीं था। जब मैं बचपन में कैंप होते थे हमारे तरुण शांति शर्मा के, लाल भाई देसाई थे पहले, आपने सुना होगा, कथा की थी जयपुर के, उन्होंने एक बार गांधी कथा की, हमने कर रही थी जयपुर में। तो कैंपों में हम जाते थे तो ये बुद्धिजीवी बचपन से रहे हैं और हमेशा आगे बैठने वालों में रहे हैं, और मैं सबसे पीछे बैठने वालों में था। मुझे ना बोलना आता था और मैं डरता था कि मेरा नाम नहीं पुकार ले, भाई आप अब बोलो कुछ बात, इतना मुझे संकोच होता था। वहाँ बैठता था पीछे आपकी तरह, जो पीछे बैठे उनकी तरह। हम लोग आगे बढ़, मैं राजनीति में आ गया, ये सर्वोदय में और इसमें चले गए, धीरे धीरे ये अपना फील्ड में आगे बढ़ते गए। और मैं आप सबकी दुआओं से, मेरा लंबा इतिहास आपको मालूम है, घूमता 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 जयपुर आ गया। तो अभी कोई 8-10 साल पहले मेरे ख्याल से जैसलमेर में मैं गया एक प्रोग्राम में, सर्वोदय का प्रोग्राम भी था वहाँ पर, 2010 के अंदर, हाँ जो भी आप लोग ये सवाई थी सब लगे हुए रहते हैं। तो वहाँ हमारी भेंट हुई, इनके मैं आर्टिकल पढ़ता था अखबारों के अंदर, सिर्फ ये रिश्ता था, आर्टिकल पढ़ता था। मैं कहा वो कुमार प्रसाद वही होगा जो उस जमाने में थे, बस तब मेरी भेंट हुई सिर्फ। पर रिश्ता बचपन का, विचारधारा वही। और आज देखिए, आज मुझे अगर यहाँ काम करने का मौका मिला प्रथम सेवक के रूप में और इनका साथ मिल गया, तो आज देखिए ये विभाग बन गया, हम कहाँ के कहाँ पहुँच गए। पूरे देश में हर राज्यों में ये विभाग बनाने की आवश्यकता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। बल्कि केंद्र सरकार में ये विभाग बने, अगर ईमानदारी की बात सोचे हुई एनडी गवर्नमेंट को मैं कहना चाहूँगा, अगर आप वास्तव में लोकतंत्र में आपका यकीन है, संविधान में आपकी आस्था है, ईमानदारी की है, खाली मुखड़ा पहन के आप सरकार बनाते हो अलग बात है, लोकतंत्र का मुखड़ा पहन के आप राजनीति कर रहे हो अलग बात है, वास्तव में लोकतंत्र में आपका यकीन है तो आप क्यों नहीं शांति अहिंसा विभाग बनाओ देश के केंद्र के अंदर ही। सवाल इस बात का, तब मानेंगे आप में ईमानदारी है, आप भी प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार हिंसा नहीं हो। राहुल गांधी यात्रा थी, 4 मुद्दे थे, महंगाई का था, बेरोजगारी का था और नॉन वायलेंस का था। उन्होंने कहा नहीं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ मैं,
ये क्यों कहा कि आज नफरत का माहौल है देश के अंदर, तनाव का माहौल है, उसको मिटाने का कर्तव्य हर देशवासी का है, हर प्रदेशवासी का है। पर जो आप लोगों की ट्रेनिंग हो रही है ये कोई ये कम उपलब्धि नहीं है, ये इस विभाग की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप लोग आ रहे हो ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप आ रहे हो, आपके दिल में भाव है तभी तो आप आ रहे हो। ये भाव और फैलाने की आवश्यकता हम लोगों को, गांव गांव में नए लोग ढूंढें, कोई मिल जाए तो नाम लेके टेलीफोन नंबर लिख लें उसका, जेब में डालें काम आएगा, तो भैया ये नौजवान मिला था इसके भाव हमारे इतने है इसके, ये फैलना चाहिए। ये विचार जितना फैलाइए वो देश हित के अंदर है। आज देश एक रहे अखंड रहे, इतना अनेकता में एकता वाला मुल्क है। गांधी जी ने सोच समझ करके उस पर फैसले किए थे। आज लोकतंत्र उस वक्त में कायम हो गया, वोटों का राज, जब पंडित नेहरू थे, सरदार पटेल थे, मौलाना आजाद थे, सब नेता उसमें बड़े बड़े थे, और भी कई गोपालगंज गोखले और लोकमान्य तिलक कितने बड़े नेता थे, भगत सिंह से लगा करके सुभाष चंद्र बोस तक, लंबा इतिहास है वो तो। पर जो आज़ादी के वक्त में भी ये फैसले किए गए, अम्बेडकर ने बना दिया संविधान, उससे देश चला 70 साल तक, और एक रहा अखंड रहा। इंदिरा गांधी ने जान दे दी पर खालिस्तान नहीं बनने दिया, कम बात थी क्या? ये कम बात है कि एक प्रधानमंत्री अपनी जान दे दे, उनको मालूम था मेरी जान जा सकती है, मैं उनका डिप्टी मिनिस्टर था, मुझे उन्होंने कहा। और एक दिन पहले क्या उड़ीसा के अंदर, हो सकता मेरी जान चली जाए, मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का एक कतरा देश के काम आएगा। ये त्याग बलिदान करने वाली पार्टी है, आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद में भी। राजीव गांधी शहीद हो गए, उपमाध्यम में शांति स्थापित होनी चाहिए। अब ये लोग जो आ गए हैं सत्ता में, इन्होंने इनको पूछो आपने आज़ादी के जंग में आप कहाँ थे, उम्र के हिसाब से आप भी यही थे, ऐसे इनके बड़े बड़े उम्र के नेता हैं वो भी जिंदगी में थे। इन्होंने एक उंगली भी कटाई है क्या आज़ादी के जंग के अंदर? बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, 70 साल में कुछ नहीं किया। अरे इस मुल्क में सुई नहीं बनती थी, इस मुल्क में बिजली क्या होती लोग समझते नहीं थे, राजस्थान में 13 मेगावाट बिजली थी, राजा महाराजाओं के महलों में टिमटिमाती थी खाली, बस वो जनरेटर से। पर आज कहते कुछ नहीं किया। और जिस प्रकार अन्ना हजारे को और बाबा रामदेव को और हमारे ये क्या नाम मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, इनको RSS ने बीजेपी ने आगे करके 2G स्पेक्ट्रम आ गया, कोई आज नाम नहीं लेता है। कोलगेट आ गया, कोई बात करता है उसकी? कोई जेल गया कोई? और लोकपाल, लोकपाल को लेकर तो सब कुछ कर दिया। आज लोकपाल की चर्चा होती है क्या देश के अंदर? लोकपाल की बताइए। और धर्म के नाम पर सगा बदल जाती है। कहने का मतलब ये देश में सब कुछ हो रहा है जो आप देख रहे हो। हम चाहते हमारे मुल्क जिसके महान संस्कार संस्कृति परंपराएं हैं सदियों से, दुनिया में आज नाम है कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान है, वो मुल्क उसी ढंग से रहे, सभी प्रेम मोहब्बत भाईचारे से रहे, सभी जाति सभी धर्म के लोग। ये भावना जब तक आप जैसे लोग आगे आएंगे, ये बात फैलाएंगे, आपका योगदान कम नहीं होगा, लगता कम है हमें, पर धीरे धीरे जब विचार फैलता है तभी तो ये माहौल बनता है, और माहौल बना तभी विभाग ने इतने काम किए। मैं तो बहुत कम आ पाता हूँ, मेरे ख्याल से पहले दूसरी बार आया हूँ, मुश्किल से एक बार BM सोनारी की मीटिंग में चला गया। ये शिकायत करते रहते हैं कुमार प्रसाद जी का आवाज नहीं रहे हो, और मैं इतना घूम रहा हूँ राजस्थान भर के अंदर, हर जिले में हर जगह पर, कि मेरा आना हुआ ही नहीं, आने की इच्छा हमेशा रहती है। पर आज मुझे खुशी है कि मैं आया हूँ। जब कभी बुलाएंगे तो मैं हाजिर रहूँगा। और अभी जो कुमार प्रसाद जी ने कहा है 50,000 का, हमें जो आप बैठे हैं ऐसे कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करनी, 50,000 की फौज तैयार करनी। कर सकते हो आप लोग, कर सकते हो, कर सकते हो आप लोग।
आज माहौल तनाव का है, लोग जुड़ना चाहेंगे आपसे। और 50,000 की रैली जिस दिन जयपुर में हो जाएगी, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे देश के अंदर एक मैसेज आएगा, देश हित में जाएगा, सबके कान खड़े हो जाएंगे, भारत सरकार के भी, प्रधानमंत्री जी के भी, सबके कान खड़े हो जाएंगे, चाहे RSS हो चाहे BJP हो, पूरे देश के अंदर एक मैसेज आएगा कि राजस्थान जहाँ पर शांति व हिंसा का विभाग बना, उसका ये उपलब्धि है 50,000 लोगों का कार्यकर्ता। आज से आप रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दो मन के अंदर, फिर तो सिस्टम बनाएंगे ठगराज साहब और मनीष जी सब मिलके, सवाई सिंह जी, कि भाई किस प्रकार जोड़ने के लिए और क्या क्या ऑनलाइन करना चाहिए। हमें ऑनलाइन सिस्टम आजकल होता है, ऑनलाइन आप लोग जोड़ने के आह्वान कर सकते हैं, थोड़ी स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी खाली उसके अंदर। तो लंबी बात नहीं जाता हुआ, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि हम सब मिलकर के आने वाले वक्त के अंदर मेरी पूरी रुचि रहेगी इस विभाग के लिए, मैं सारी विभाग मेरे पास ही है, इस विभाग तो जो विभाग मैंने अपने पास रखा है, तो आप सोच सकते हो कि जो मांगोगे मिलेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।